स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया, सैंपो की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सैंपो के निजी गार्डन में स्वयं सहायता समूह के तकरीबन 1600 महिलाओं ने स्वीप गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें लोक कलाकारों के द्वारा गायन कर मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप, दिव्यांगजन हेतु सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप सहित अन्य ऐप के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। सीईओ जिला परिषद एवं जिला स्वीप प्रभारी सुदर्शन सिंह तोमर ने शत प्रतिशत मतदान करने एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं व आमजन को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया एवं शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की जिला अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा, डीडी ICDS भूपेश गर्ग, CEO पुलिस धौलपुर सुरेश सांखला, मांगीलाल आर्य, व्याख्याता भगवान सिंह कुशवाहा सहित अन्य मौजूद रहे। पार्वती जी कुशवाहा साहब, अपनी बेटी रिचान की पढ़ाओ के एम्बेसडर जिला रिपोर्ट, हमारे पुलिस अधिकारीगण, प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, आपका इस कार्यक्रम में उत्साह काफी काबिल तारीफ है। निरीक्षण करने निकले थे, जैसे ही आपके कार्यक्रम की जानकारी मिली, धौलपुर शहर को अगर आगे हमको जाना था वो छोड़कर आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और ऐसा लगता है यहाँ ना हमारा सार्थक हुआ है। जो उत्साह जो आप लोगों ने दिखी है प्रतिक्रिया, हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसकी शक्ति कौन है, चंचल है, लोग हैं, आप लोग मतदान के लिए निकलेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा स्टेट का एवरेज है 74% जो मतदान में, तो अभी भी ऐसा लगता है कि 26% लोग हमारे वोट डालने नहीं जाते। एक जैसे कहावत है, नारी पढ़ेगी तो चार पीढ़ी चलेगी, पर सब लोगों को पढ़ाएगी वो, क्योंकि उससे पे डिपेंड क्या है, बच्ची है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो आप वो मानते हैं, यदि आप लोग घर से बाहर निकलते हैं वोट डालने, तो निश्चित रूप से आपके जो परिवार में जो बच्चे एक जो 18 साल के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर को आने वाले 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं, उनका फॉर्म जरूर करवाएं, जो हम चेक करवाएं। मैं सोचता हूँ सबने अपना नाम वोटर लिस्ट में देख लिया होगा, सब लोगों ने नाम चेक कर लिया होगा, आपका फोटो आई कार्ड, अब तो आपको पता होगा वोटर हेल्पलाइन ऐप। सरकार बोर्ड के साथ ये काम हमारे नहीं हुए, ये है तो आपको जब 5 साल में अपने मनपसंद हिसाब से वोट देने का मौका मिलता है उसमें चूकने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। हाँ, किसको देना है ये सब आपका विवेक होता है, लेकिन अधिक से अधिक मतदान करें। एक और बात आती है इसमें कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी दो वोट देता है, जो देता है वो एक ही देता है, उसी से फर्क पड़ता है। तो ये जो खासतौर पर हर जगह सब में कि यार एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो सारे आदमी एक ही वोट देते हैं, हर व्यक्ति को, हर मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसी से लाखों में जीतते हैं ना लोग, जीतते हैं, हारते हैं, वोट पड़ते हैं, तो वो एक 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 मौके ही तो हुए हैं। तो आपके एक वोट का महत्व इतना ज्यादा है, आपने सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा बनता है टाइम, तो एक एक वोट ही होता है, हर कोई एक ही देता है, लेकिन वो सब एक देने तो बहुत संख्या हो जाएगी। तो मतदान अधिक से अधिक करें, यही हमारी प्रशासन की और भारत निर्वाचन आयोग की और सारे अधिकारियों की और सारे लोगों की यही मंशा है कि मतदान अधिक से अधिक हो, जिससे मतदाता को सारी सहायता मिलती है, वो आपसे एक में डाउनलोड करना वहां पर सिखाएंगे भी। दूसरा, ऐसे सी विजिल आचार संहिता का उल्लंघन होता हो उसकी जानकारी के लिए मौके पर ही जो डमी ऐप है आपसे डाउनलोड कराएंगे और आपको बताएंगे कैसे फोटो वीडियो आपकी लाइव लोकेशन और आपकी गोपनीयता रखते हुए आप शिकायत कर सकते हैं उल्लंघन की। इसके साथ ही एक सक्षम नाम से मोबाइल ऐप है, जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको कोई भी सुविधा के लिए मतदान केंद्र में सहायता के लिए, व्हील चेयर की मांग के लिए आप अपील कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही शपथ है कि आप आगामी विधानसभा आम चुनाव में मतदान का संकल्प लेते हैं, वो मुश्किल से 15 सेकंड का एक प्रोसेस है, तो अभी आप 1000 से अधिक जो ई सखियां राजीव का की स्वयं सहायता
समूह की जहाँ आपने महिला मतदाता है, आप सब उस शपथ को डाउनलोड करेंगे और इस सर्टिफिकेट आपको जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, जिसमें आप उसको पढ़ पाएंगे। कलर्ड है, बस एक रिक्वेस्ट है कि ईवीएम और वीवीपैट से बटन दबा के मतदान कैसे करते हैं। रोशन मत्ता जी हमारे यहाँ जिले के संगीतकार हैं, ये आपको 3 या 4 मिनट का एक गाना सुना के पूरी प्रक्रिया को इस नजरिए से समझाएंगे कि आपको लगेगा वास्तव में जीवंत एक रचना है। मेरा अनुरोध रहेगा कृपया एक बार कार्यक्रम को शुरू करें। धन्यवाद। समझा रही हूं मैं तुम्हें, पोलिंग बूथ बनाओ घर पीछे, नीले नीले बटन चिन्ह के नीचे, उनमें से एक जो। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा, दिए आवश्यक निर्देश। बड़ी की प्रमुख खबर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने शुक्रवार को मय जापते बड़ी के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान परशुराम धर्मशाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय हतियापुर, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मदरसा मोहम्मदिया, सत्यनारायण धर्मशाला, महावर धर्मशाला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुमट आदि स्थानों पर स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अलग से जाप्ता लगाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी बाड़ी यशवंत मीणा, महेंद्र कुमार मीणा एडिशनल एसपी, देवेंद्र राजावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी, बाबूलाल मीणा सैंपो सीओ, रामजीत सिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़ी, लक्ष्मण सिंह एसएचओ बाड़ी सहित प्रशासन तथा पुलिस अधिकारी साथ रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से रामदास तरुण की रिपोर्ट। फोन नंबर दीजिए जरा सी, फोन सर मेरी ड्यूटी सर यहां नहीं है, आप करवा दो ड्यूटी यहां नहीं है, नौरा पंचायत यहां कोने में है। कौन से बुलाया तो सर नाम करो, उन लोगों को पता है नाम उनका ठीक है, मेरे हम लोगों को पता मुझे साथ के 19 साल तक की पड़ी है, आस पास वाले ड्यूटी से खड़े हुए हैं, उसको ऐसे उड़वा डाउनलोड कर रहा मोबाइल को आए मोबाइल बराबर में चलो वही बोला नहीं वही चलेंगे बराबर में जयपुर रोड पर डग्गे मार स्लीपर बसों की गुंडागिरी, वसूलते हैं मनमाना किराया। बाड़ी की प्रमुख खबर, डग्गे मार वाहनों के रूप में दौड़ रही अधिकांश स्लीपर कोच बसें भेड़ बकरियों की तरह भरकर सवारी ढो रही हैं। स्लीपर कोच बसें परिवहन नियमों के अनुसार समय पार कर चुकी हैं कई खटारा बसें। बसों का स्टाफ सवारी से करते हैं मनमानी वसूली और कोई टिकट भी नहीं देते, नियमानुसार किराया लेने के कहने पर सवारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, यहां तक कि मारपीट भी की जाती है, रजिस्टर्ड टिकट भी नहीं दी जाती सफर करने वाले सवारियों को, कई बार गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व रास्ते में जबरन कहीं भी उतार दिया जाता है सवारियों को, ना ड्रेस कोड ना फर्स्ट एड और ना ही अन्य सुविधाओं की है कोई व्यवस्था। धौलपुर बाड़ी से जयपुर जाने वाली अधिकांश स्लीपर कोच बसें परिवहन नियमों को दिखा रही हैं ठेंगा, कई बार इन बसों में सफर करने वाली सवारियां हादसों का हो चुकी हैं शिकार। परिवहन विभाग की
मिलीभगत दिखा रही परिवहन नियमों को ठेंगा। मजबूरी में सफर कर रही सवारियों की परेशानियों पर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का कार्य ग्रहण संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा ने एक सादा समारोह में कार्य ग्रहण किया। मीडिया प्रभारी प्रशांत होंडावाल ने बताया कि भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बोहरा व ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर रामराज लाल शर्मा एवं ट्रस्टियों ने ट्रस्ट के संस्थापक व निवर्तमान अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा का साफा व शॉल के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। ट्रस्ट के निवर्तमान अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा व उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री एवं सभी ट्रस्टियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा को साफा पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि सभी का स्नेह एवं प्रेम मेरी शक्ति रही है। इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट की भामाशाह स्वर्गीय श्रीमती लीला त्रिपाठी जी, स्वर्गीय जमुना लाल पुरोहित पालीवाल व अन्य सभी दिवंगत ट्रस्टी बंधुओं को नमन व उनके योगदान को याद किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीसी बोहरा ने इस अवसर पर 12 दानदाताओं को ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट अभी नव पल्लवित पौधे की तरह है, इसे सींचने व ट्री गार्ड की तरह सुरक्षा देना होगा। हमें सभी समाजों के साथ भाईचारे और सौहार्द की भावना को विकसित करना है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, कोषाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, संयोजक रामराज लाल शर्मा, सचिव महेश शास्त्री, अनुराग मुदगल ने भी विचार रखे। संचालन समाजसेवी एवं वरिष्ठ ट्रस्टी विशंबर दयाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कई ट्रस्टी व समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। बीवीएन वीरो के लिए ट्रस्ट की मीडिया प्रभारी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल की रिपोर्ट। चार वर्ष पूर्व हुए मर्डर के 3 आरोपी कोर्ट परिसर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अतराज कापुरा में 4 वर्ष जमीनी विवाद को लेकर 2019 में देशराज पुत्र बचन सिंह गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें मुख्य चश्मदीद गवाह सोनू पुत्र रामवीर कोर्ट में गवाही देने पहुंचा था। इसी दौरान वारदात के मुख्य मुलजिम सोनू पुत्र मान सिंह को एक 315 बोर अवैध देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं बिना नंबरी बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। रहीस पुत्र मान सिंह को अवैध देसी कट्टा, 315 बोर एवं 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया एवं डब्लू पुत्र मान सिंह को अवैध 7 जिंदा कारतूस, 1 हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत अवैध हथियारों के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के साथ राम नरेश, हेड कांस्टेबल लखनलाल, राजेश कुमार, रविंद्र कुमार, सत्येंद्र सिंह, देव सिंह, सुमन प्रकाश, मानक चंद कांस्टेबल शामिल रहे। राजस्थान शिक्षक संघ धौलपुर की उपशाखा सैंपो के चुनाव संपन्न। ब्लॉक अध्यक्ष केदारनाथ निर्वाचित। सैंपो की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक संघ धौलपुर की उपशाखा सैंपो के चुनाव जिला अध्यक्ष अवतार सिंह लहरी की अध्यक्षता में चुनाव पर्यवेक्षक सुरेश चंद मौर्य, प्रदेश मंत्री व ओमवीर सिंह लहरी तथा चुनाव अधिकारी अमिताभ कुमार एवं जगदीश मौर्य के द्वारा सर्वसहमति से संपन्न करवाया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष केदारनाथ, ब्लॉक महामंत्री भीकम सिंह, ब्लॉक सभाध्यक्ष ओमवीर सिंह लहरी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष मोहर सिंह, ब्लॉक संरक्षक बैजनाथ सागर, ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, ब्लॉक संगठन मंत्री बचन सिंह, ब्लॉक संयुक्त मंत्री अशोक कुमार, प्रवक्ता धर्मवीर सिंह, प्रचार मंत्री अभय कुमार आदि को बनाया गया। समस्त नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुभाष सहदेव, रिंकू अमिताभ कुमार, सुधीर सिंह, भगवान दास, दिनेश कुमार, संजय सिंह, देवेंद्र सिंह,
राय सिंह व अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। अवैध देसी कट्टा एवं कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, सरमथुरा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में राजवीर सिंह हेड कांस्टेबल ने मुखबिर की सूचना पर लोकूपुरा मोड़ से युवक मोनू उर्फ अरविंद मीना को अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीएसपी रविराज सिंह ने बताया कि अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के साथ राजवीर सिंह हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र एवं चेतन सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। पेयजल किल्लत से परेशान महिलाओं ने की सड़क जाम, लगी वाहनों की लंबी कतार, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में पेयजल किल्लत और बिजली कटौती को लेकर महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें, राजाखेड़ा के वार्ड 29 में लगातार 3 दिन से नल नहीं आने से पेयजल के लिए लोग ज्यादा परेशान है, जिसके चलते आज महिलाओं ने आक्रोशित होकर राजाखेड़ा के घनाकापुरा मोड़, जो कि आगरा के लिए रास्ता जाता है, उसे जाम कर दिया और जमकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण सड़क पर लगा लंबा जाम, पुलिस ने समझाइश कर खुलवाया जाम। प्रतिवर्ष की भांति कल ममोधन में होगा दौड़ और लंबी कूद का आयोजन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। उखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ममोधन में प्रतिवर्ष की तरह बाबू महाराज की दौज के अवसर पर कल दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंदिर पुजारी ओम प्रकाश शर्मा और युवा नेता अनिल परमार ने क्षेत्र के युवाओं से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। युवा नेता ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 3100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये रखा गया तथा लंबी कूद में 1100 रुपये रखा गया। आयोजन कल दोपहर 12 बजे बाबू महाराज मंदिर ममोधन पर किया जाएगा। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी ममोधन से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम किया जा रहा है भगत जी? दौड़ प्रतियोगिता और वो लंबी कूद। अच्छा, बाबू महाराज की दौड़। महाराज की दौड़ के अवसर पर ये खेल कूद किए जा रहे हैं, जो कोई इच्छुक हो जो अपना भाग ले आ करके ममोधन गांव में। ठीक, मेरा नाम अनिल परमार है। अच्छा, क्या किया जा रहा है? ये हमारे ग्राम पंचायत ममोधन में पिछले कई वर्षों से दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें क्या क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनसे निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, जिसमें दौड़ में प्रथम स्थान का जो इनाम हो 3100 रुपये, द्वितीय स्थान पर आता है उसको 2100 रुपये दिए जाते हैं और जो तृतीय स्थान पर आता है उसको 1100 रुपये नाम दिया जाता है। लंबी कूद में जो प्रथम स्थान पर आएगा उसको 1100 रुपये दिए जाएंगे। ये कब का है और कौन सी जगह प्रोग्राम होगा? ये 17 तारीख का है, जो ममोदन ग्राम पंचायत में बाबू महाराज का मंदिर है उस मंदिर के पास में किया जाता है। पिछले कई वर्षों से सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है। हाथ लगा दे, उम्मीदवार।